अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीबी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। ऑटो वाले ने ऑटो वाले पर किया हमला, ट्रैफिक पुलिस और लैंड ऑर्डर पुलिस का कोई निज़ाम नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है कि चारमीनार बस स्टैंड के सामने रोड वाइडनिंग की गई, लेकिन एक बस को, एम्बुलेंस को, ट्रैफिक को जाने के लिए बहुत मसाइल हो रहे हैं। यहाँ पर कोई ऑटो स्टैंड नहीं। नेक्स्ट महीना रमज़ान का आने वाला है, यहाँ पर बहुत हुजूम होता है और ट्रैफिक रहती है। ट्रैफिक पुलिस और लैंड ऑर्डर पुलिस से गुजारिश की जाती है कि यहाँ पर महकमे पुलिस का इंतज़ाम करें। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। एबीबी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम पाशा है। मैं चारमीनार टू ओटापल्ली गाड़ी चलाता हूँ। वहाँ पे पैसेंजर से मैं बात कर रहा था, तो शफी बोल के बच्चा गाली गलौज कर रहा था, इमरान भी साथ में उसके। तो मैं बोला, देख बेटा कहीं को तो भी गाली गलौज कर रहा। पैसेंजर बैठ गया ना मेरे कने, बोले तो वो लेडीज़ उसको देख के डर के बैठ रहे थे, मेरे कने आके बैठ रहे थे, उसका नहीं बैठ रहे थे। तो गाली गलौज दे के करके मेरे को उसकी गाड़ी कने खींच के ले आके लट निकाल के मेरे को मार के सर फोड़ डाला साहब। नहीं बैठने की वजह क्या है? उन्हें नशा करे हुआ था, उसके पूरे उसकी हालत वैसी देख के लेडीज़ डर के मेरे कने बैठे। क्या चीज़ का नशा करता? उन्हें गांजा और गोलियों का नशा करता। कहाँ पे हुआ है? ये चारमीनार बस स्टैंड के पास हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम चारमीनार से ओटापल्ली ले लेके जा रहे थे। आप कंप्लेन करें? जी हाँ, मैं कंप्लेन करा। मैं वहाँ पे ट्रैफिक पीएस का आदमी था, उसके सामने जूने बोल रहा था मटर कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, चाकू मार देता हूँ बोल के अपना शर्ट भी फाड़ लिया। तो वो पुलिस वाले कुछ बोला आखिरी में जाके, बोला पीएस को कंप्लेन करो, बोले तो उन्हें गाड़ी बुलाए, वहाँ मोगलपुरे की गाड़ी बुला के फिर उसके बाद में यहाँ की गाड़ी को बुलाए। वो लोग उन्हें मेरे को लट से मारे, उनकी गाड़ी में से लट भी मैं दिया पुलिस वालों को दिया। हाँ दिया मैं पुलिस वालों को दिया। मैं पीएस में कंप्लेन करें? हुसैन आलम पीएस।